बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। नगर पालिका यो को भगत सिंह यूनियन की टीम ने एक ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर शिकारपुर नगर पालिका में भगत सिंह यूनियन की टीम ने नगर पालिका यो राजीव कुमार जैन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी शिकारपुर विधानसभा के निवासी हैं। हम जैसे काफी युवा शिकारपुर में खेल मैदान का अभाव होने के कारण फिजिकल की तैयारी करते हैं। कुछ ये बुलंदशहर टाडा स्टेडियम में जाते हैं और कुछ युवा साथी शहर से गाँव को जोड़ने वाली पक्की सड़क पर ही अपनी फिजिकल की तैयारी करते हैं। कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिनके पास हाईवे है, जिन पर हर समय अत्यधिक तेजी से वाहन चलते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे युवा अपने परिवार के बारे में सोचकर अपनी तैयारी करते हैं। तब की हमको पता नहीं है तब कौन सा वाहन आकर हमें चोट पहुंचा दे। भगत सिंह यूनियन की टीम नगर पालिका ईओ राजीव कुमार जैन से एक ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करती है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारे लिए खेल मैदान के लिए उचित जगह की व्यवस्था करवाएं। इस मौके पर सजीव कुमार तोमर, संदीप तेवतिया, रोविन चौधरी, वीरेंद्र कुमार गर्ग, सचिन चौधरी, रोहित चौधरी, कुशल रावत, सुमित चौधरी व भगत सिंह यूनियन की टीम मौजूद रही। और मैं भगत सिंह यूनियन का संरक्षण सदस्य हूँ। ये सभी युवा टीम हमारे जो भाई हैं, सभी क्षेत्र के जितने भी युवा हैं सभी हमारे भाई हैं। जो हमारे अभी भर्ती देख रहे हैं युवा भाई, उनके पास साधनों की कमी है, वो सबको विदित है। और साधनों की कमियों में रोड पे दौड़ना पड़ता है, ग्राउंड नहीं है, कच्ची सड़कों पर दौड़ना पड़ता है, जिस वजह से नहीं भर्ती हो पा रहे, बहुत सारी तैयारी नहीं हो पाती है। इसके हल के लिए हमने ये सोचा है कि नगर पालिका शिकारपुर में एक ज्ञापन दिया है और SDM साहब को भी ज्ञापन देंगे, जिसका निस्तारण जल्दी जल्दी करें और हमारे लिए युवाओं के लिए, छोटे भाइयों के लिए एक अच्छा सा खेल का मैदान बनाया जाए, एक ट्रैक बनाया जाए जिस पर दौड़कर वो अपनी तैयारियां पूरी करें, भविष्य में देश के लिए सेवा दें। हमारे पास जगह की कमी है, अगर SDM साहब अलॉट जमीन करते हैं तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके लिए हम SDM साहब के पास जाएंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे। जैसे ही वो जगह का अलॉटमेंट करेंगे उसके बाद EO साहब अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और हमें